Hello everyone, this is Rabia Aslam. In this video, we will solve question number 2 from exercise 3.2, chapter number 3. Solve the following equations by using quadratic formula. Question hai hamare paas 1 over 3p square minus 1 over 2p plus 1 equals to 0. Sabse pehle hum is equation ko jo hai wo solve kar lete hain. एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 6 इक्वल्स टू 0. Applying quadratic formula. जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है हम उस वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पे हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो therefore p is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. Here a is equals to 2, b is equals to minus 3 and c is equals to 6. Values ko substitute kar dein, to p is equals to minus 3 plus minus 3 ka square minus 4 times of 2 into 6 over 2 times 2, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 8 6 जा 48 डिवाइडेड बाय 4. 3 प्लस माइनस 9 माइनस 48 इज माइनस 39 डिवाइडेड बाय 4. Either p is equals to 3 plus root minus 39 divided by 4, or p is equals to 3 minus root minus 39 divided by 4. Root 39 किसी का root नहीं होता. जब हमारे पास root के अंदर minus sign होता है तो हमारे पास बाहर आ जाता है iota. Iota क्या होता है हमारे पास? Iota square की value होती है हमारे पास minus 1. तो जब भी हमारे पास रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा होता है तो हम बाहर निकालते हैं आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4. सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड, सॉरी, रूट 39 डिवाइडेड बाय 4. सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 3, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस आयोटा रूट 39 ओवर 4 कॉमा 3 माइनस आयोटा रूट 39 ओवर 4. आयोटा जो है वो हमारे पास होता है इमेजिनरी नंबर. Iota square is equals to minus 1. जब हम इसका square root लेंगे तो हमारे पास iota की value क्या आ गई? Root minus 1. इसलिए हमारे पास root minus 1 के अंदर हम ले रहे हैं iota.